प्रतियोगिता मंडल अखंड खुदरा की ओर से एक बार फिर उदयपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आप देख रहे हैं ग्राउंड से सीधा दृश्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट लीग और प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता एनबीए ग्राउंड उदयपुर तैयार हो रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि ग्राउंड में धीरे धीरे दोनों से हैं वो बढ़ती है मैं दिनेश ओड़ आज ये हमारे ओड़ समाज का क्रिकेट मैच प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और ये खेल एक ऐसा मंच है जिसपे सभी समाज के बंधु आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और समाज को जोड़ने का मंच है और बहुत ही शानदार नज़ारा है ग्राउंड का। पहला मैच शुरू होने वाला है और सारे खिलाड़ी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, समाज के सभी बंधु भी ग्राउंड में उपस्थित हो चुके हैं और बहुत ही जल्द मैच शुरू होने वाला है और बहुत ही जोश और जुनून से ये इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये अपने और समाज के लिए जागृति की ओर बढ़ने वाला बहुत ही शानदार कदम है। खेल के जरिए ही समाज को जोड़ा जा सकता है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए समाज के बंधु ग्राउंड पे भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। उदयपुर संभाग की टीमें हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये सारी टीमें यहाँ पहुंच चुकी है। सभी एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी हैं और अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए पूरा जोर आजमाइश लगाएंगे और खिलाड़ियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि एक समाज का टूर्नामेंट है, एक भाईचारे के साथ खेले और खेल भावना के साथ खेले और इन्हीं प्रतिभाओं में से कोई आगे बढ़ के अपने समाज का नाम रोशन करे जिससे कि समाज को भी एक मंच मिले आगे बढ़ के। हाँ, इस बार ये लाइव किया है, थोड़ा प्रोग्राम को इसको थोड़ा ऊंचा बढ़ाया है और इसको हायर मॉडल में करके और थोड़ा अपने भी देखते हैं कि समय के साथ चलते हुए इसको ऊंचे मंच पे किया जा रहा है, इसका लाइव प्रदर्शन भी हो रहा है और लाइव दिखाया जा रहा है तो सब जने देखेंगे तो और भी जुड़ेंगे लोग समाज के और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो उदयपुर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं जहां और समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का आज पहला दिन आगाज होने वाला है और बड़ी व्यवस्था यहां पे की गई है, लाइव यहां पे बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं और हम भी देखेंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ ये मैच संभव। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन झुलसा देने वाली गर्मी जो है वो 1 जून तक पड़ने वाली है और ये आज से क्रिकेट टूर्नामेंट और 1 जून तक ही चलने वाला है। टॉस करा रहे हैं आदरणीय जसराज जी और साहब, जी जसराज जी क्या कुछ रहा इस बार जो बच्चे ने अच्छा बीड़ा उठाया समाज के लिए और समाज के आने वाली पीढ़ी को भी इसी प्रकार से अगर ये बच्चे हम इनका हौसला बढ़ाने के लिए हम भी इनके पीछे दिल और तन मन तन से इनको सहयोग करेंगे और इनका साथ देंगे ताकि तुम आने वाली पीढ़ी तक आपका हौसला बढ़ा रहे और आगे से आगे आप बढ़ते रहो और समाज से ये निवेदन करो इन बच्चे के ऊपर हाथ रखोगा आशीर्वाद देते रहोगा इनको ताकि ये बच्चा आने वाली पीढ़ी में अपने बच्चे अपना एक नाम करे और ऐसा रोशन करना चाहिए और मैं यही आशा करता हूँ और बुजुर्ग और जितने समाज के भाई बंधु है उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके आप साथ देते रहो, अच्छा काम कर रहे हैं कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे इसलिए आप इन ऐसा काम के अंदर बच्चे
और अपने समाज में पहला बार ऐसा काम हो रहे है। ठीक है, गांव में कर रहे हैं, थोड़ा धीरे 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 एक्टिवाई हो रहे, तो अब तो इनको थोड़ा एक्टिवाई करें, पीछे क्यों रहे। जो जमाना था उस जमाने से ही चले गए, अब नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के हिसाब से उनको थोड़ा आप आशीर्वाद दे के पूरी समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करो, इन सबको आशीर्वाद दो, हर गांव, हर जिला, हर जगह और हर देश में जाके ऐसी प्रकार से आदमी का हौसला बढ़ना चाहिए। बच्चे का जितना हौसला अपन बढ़ाएंगे इतना बच्चा अपना आगे बढ़ेगा, बाकी बच्चे और अपन इसी प्रकार से रह जाएंगे जो पीछे के रह गए उसी प्रकार से। तो ये आप इनसे समाज से इनको थोड़ा आशीर्वाद देते रहो और इनका मनोबल बढ़ाते रहो, बाकी बच्चे को क्या मनोबल चाहिए। ठीक है सर, जय हिंद। 20 सालों में कितनी जागृति आप देख रहे हैं? 20 साल से करीब करीब हमें लगे है कि 20 साल से तो करीब करीब बच्चे आने वाली पीढ़ी और आने समझने वाले 20 साल में करीब करीब ज्यादा नहीं तो मेरे जान से मेरे को भी इससे में अतरे समाज के लेवल से जो समझ लो के काफी फर्क पड़ा, काफी फर्क पड़ा। और हर जगह जाना, पीना, उठना, बैठना, खान पीन हर बार से हर लोगों के अपने समाज के अंदर अच्छा वातावरण हुआ है, वातावरण हो रहे हैं, सब चल रहे है। 20 साल पहले इधर से आपने ये 20 साल पहले क्या सपने में नहीं सोच सकते जो अब बच्चे कर रहे, जो हमें खुशी हुई है और दिल से खुशी हुई ये बच्चे अच्छे काम कर रहे, कभी समझते नहीं कि क्या ये चीज यूं। और ठीक है, देखते 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 आज यहाँ है, कल अपन क्या थे, कल मैं क्या था उदयपुर में आया, और आज भगवान के दिन बच्चे का और उनका भाग्य समाज का लेवल से सबका इसी प्रकार से क्या जो बच्चे बढ़ना चाहिए। और इतने आप समाज से हाथ जोड़ के मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ, इनको आगे आगे से आगे बढ़ाओ, इनको पीछे मत रखो। बच्चा किसी का भी हो, समाज का बेटा अपना बेटा है। आप इसमें मत देखो ये समाज का अनुभव, उस समाज का, समाज लेवल में कम मत जाओ, सब समाज एक ही है और एक ही समाज के साथ चलेंगे अपन मिलजुल करके। जो भी संगतियां है, जो बच्चे भटक रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे अगर भटक रहे हैं, वास्तविक में कोई गरीब है, दुविधा है, उन लोगों के लिए क्या है कि अपने को मिलजुल करके ऐसा कुछ हो तो थोड़ा थोड़ा समाज को बढ़ाने की कोशिश करे। तो मैं तो यही चाहता हूँ सबको, कोई भटक रहे है, कोई कमजोर भी है, आयोजन है, सबको पता है वो यहाँ मौजूद नहीं है, मौत भी जिनको होना चाहिए, जिन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिन आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको एडवाइस दे रखे है, सबको सूचना दे रखे है। लेकिन ये तो मेरे को शर्म की बात है, अब मैं ऐसे आगे बात बता नहीं सकता हूँ, ये तो मुझे शर्म की बात है। मैं समाज का काम हो रहा, हम निमंत्रण क्यों दे? लेकिन आगे अब ये पहला ये बात आपको भी की कि बच्चे का हौसला बढ़ाना अपने हाथ में, लेकिन अपने भी इसी प्रकार से आते हैं। आज अपने समाज के करीब करीब बुजुर्ग वगैरह जो भी समाज के आते हैं 5-10 आदमी, ठीक है कोई इनके कारण वजह से नहीं आ पा रहे, उनके कोई प्रोग्राम है नहीं आ पा रहे, तो वो बात कोई अलग है। जो फ्री है उनके लिए भी हाथ जोड़ के निवेदन करो, आप भी आकर के इनका बच्चे का थोड़ा घोंसला बढ़ाओ। और लास्ट कितनी तारीख है? 1 जून को। अभी नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आपको ये हाथ जोड़ के निवेदन करो, 1 जून को आपको सबको मिल करके गांव से एक एक दो दो चार चार बुजुर्ग आदमी हमें होएगा, तो जितना बुजुर्ग यहाँ मिलेगा जितना इन बच्चे का हौसला बढ़ेगा। हम तो जवान बच्चे हैं अभी आपके हाथ सामने, ज्यादा कुछ बात नहीं कह सकते, लेकिन आप बुजुर्ग जितने यहाँ होगा उतना इन बच्चे का हौसला बढ़ा होगा, जितना आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे जसराज जी और साहब रामनगर पुवाणा। तो देखिए कितनी सुंदर संदेश आपको दिया है, आप भी आइए, 3 दिनों का क्रिकेट टूर्नामेंट है, और आइए और पूरा आनंद लीजिए। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए घर से निकले हैं, थोड़ा सा धूप जरूर है लेकिन साथ में ठंडा पानी रखिए, और इनका उत्साह वर्धन के लिए ग्राउंड में जरूर आए। मैं भी आपसे अपील करता हूँ, चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, देखिए कितने खूबसूरत है कि आज के नव उभरते हुए सारे के सारे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, ये अच्छी बात है। धीरे धीरे एक स्वच्छता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे एक समाज में एक जन जागृति और एक स्वच्छता धीरे धीरे आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ संभाग भर से खिलाड़ी मौजूद है। आपकी टीम, टीम नेम? हिम्मत माता। हिम्मत माता, हाँ हाँ हाँ। जय माता दी, कैसे हो? बस बढ़िया। हाँ बबलू भैया, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूँ, जय माता दी की, जय श्री राम। ये तीसरा सीजन है ना हमारा, बढ़िया है। पिछली बार भी अच्छी व्यवस्था थी और इस बार से उससे भी ज्यादा कहीं अच्छी ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, लाइव
लाइव स्कोरिंग चलेगी, लाइव वीडियो बनेगा, हर चीज लाइव रहेगी। कहाँ से आए हो, क्या करते हो? मेरा नाम बबलू है और मैं भीलवाड़ा जिले में केसरास गांव में रहता हूँ और अपना एक्चुअली काम फाइनेंशियल का है और ऐसे मनोरंजन के लिए खेलना आया है समाज के टूर्नामेंट में भीलवाड़ा से उदयपुर के लिए। और भीलवाड़ा की टीम भी है लेकिन मैं ऑक्शन के अंदर, मेरे को खिमच माता जो आयोजक करता की टीम है उसमें मैं हूँ और देखते हैं आज स्टार्ट। पहला मैच ही हमारा ही है, उद्घाटन मैच हमारा होगा और बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे और मिलते हैं वापिस 3 दिन के बाद। जय श्री राम, जय माता दी। तो आप चारों तरफ देखेंगे तो सब तरफ आपको खिलाड़ी खिलाड़ी दिखा देंगे, अलग अलग सबके बैनर लगे हुए हैं। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। हाँ देखो खिलाड़ी बड़ा आनंद के साथ, जय माता दी। ये देखो छोटे छोटे खिलाड़ी भी आए। क्या बात है, क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। चल रहा है धमाकेदार, धमाकेदार चलने वाला है अभी। धमाकेदार कैसा लग रहा है? बात ले लो, कैसे आए, कितने दिन होगा और कैसे क्या तैयारी है? ये तैयारी देखो अभी चल रही है, लगभग ये 4 दिन का है प्रोसेस। माता 4 दिन का प्रोसेस है, हार्दिक स्वागत। इसमें सब अभी ये आ रहे हैं, बाकी के लोग भी, सभी खिलाड़ी। कितनी टीम है? टीम 12 टीम है। हेलो, और रहेंगे क्या, कुछ रहेगा? बस देखो अभी तो फिलहाल 12 ही है, आगे का क्या होता है फिर देखते हैं। और किमज माता क्लब करण ओड पिता बीरू जी ओड अम्बा माता की घाटी उदयपुर ढाकन कोटड़ा के पास में। तो जगह जगह खिलाड़ी यहाँ देखिए मौजूद है और तैयारी फुल। हाँ हाँ, और सामने वाले खिलाड़ी के पास चलते हैं। भारत माता की जय, जवान कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है। 4 दिन हो गए, बहुत बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है। पहला मैच आमने क्लब अपना ही है तो काफी अच्छी सुविधा है, काफी अच्छी व्यवस्था की है आयोजक कर्ता ने। टीमें 12 टीमें सारी तक, मैच बहुत खतरनाक होने वाला है। अब देखते हैं जो भी है वो मैदान में होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे सीनियर दुर्गालाल जी जो कि बहुत ही वरिष्ठ है हमारे। हाँ, कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया। देखिए इतना उम्र के बाद भी आप बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए भीलवाड़ा से चल के आते हैं, पूरी टीम लेकर आते हैं और स्वयं भी खेलते हैं, ये बहुत बड़ा। हाँ जी, आया आया साउंड सिस्टम के इधर बनाने की कृपा करें क्योंकि ये बाइक का दिमाग कोई संभालना है। हाँ हाँ हाँ, आया आया। आपसे निवेदन है कि इधर बनाने की कृपा करें ताकि मैं टीम नाम तीन गुटे बोले तो तीन ही एक लारे तीन संयुक्त था ना, तीन ही एकला रे, तीन है, तीन ही एकला रे, एक ही टीम में ना। हाँ, तीन नाम था, तीन अलग, तीन ही अलग है, अलग अलग तीनर बताओ। भीलवाड़ा बुल्स, ओसिया क्लब, चमुंडा क्लब, तीनों। बहुत बहुत धन्यवाद। कटु है तीन ही टीम पानी के बोले रहे। ओके, खेले अच्छा खेले और समाज के लिए जीता है, जानो ना। एक बार और, एक बार जितने खिलाड़ी सब आ जाओ ग्राउंड पर और खड़े होकर के एक राष्ट्रगाना बजने वाला है और आप सबको जहाँ पे है जहाँ खड़े होकर के और यहाँ पे अवस्थित हो जाओ। जय बोलो भारत माता की। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। अपील यहां पर ओवर की समाप्ति। बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी दिलीप के द्वारा, लगभग अपनी टीम के लिए एक विकेट चटका ही चुके थे वो, और बहुत बड़ा विकेट था दिनेश जी के रूप में। सभी हम सब दिनेश जी के आक्रामक बल्लेबाजी के रूप में जानते हैं कि वो कितने तरह से बड़े बड़े शॉट मारते हैं अपने इनिंग में। चंदू एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। हमारे डीओजी सर को बाहर का रास्ता दिखाए प्लीज। तो उदयपुर से सीधी क्रिकेट प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, सीरीज 3 उदयपुर एमबी ग्राउंड से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां चार दिनों तक क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। 29, 30, 31 और 1 तारीख तो फाइनल मुकाबला होगा। मौसम साथ दे तो आपको पूरा टूर्नामेंट जरूर दिखाएंगे, अंतिम दिन का फाइनल मुकाबला। बस ये है कि ये जो ग्रीष्म जगदीश दबाव में बल्लेबाजी कर रही है, गर्मी जो पड़ रही है उसको देखते हुए कैमरे वैमरे सब फेल हो गए हैं। एक और मौका गवाया यहाँ पर। यहाँ पर बल्लेबाज विकेट कीपर लोकेश के द्वारा कैच टपकाया, हालांकि काफी उनके दूर था उनसे कैच ये। दोनों भाई बल्लेबाज जगदीश अच्छा एफर्ट बोलूंगा मैं इस बार, स्ट्रेट ड्राइव यहां पर दिलीप बॉल के पीछे। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने दो रन पूरे कर दिए। दोनों भाई अच्छे खिलाड़ी हैं। जगदीश लगभग 50-60 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए यहां पर प्रोजेक्ट स्कोर 48 बता रहा है यहां पर हमारे टाइमलाइन पर। एक बार फिर हल्के हाथ से खेलना चाहते थे डॉट बॉल। चंदू के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। तो क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रोता जो है वो बैठे हुए हैं, खिलाड़ी हैं अलग अलग टीमों के। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बॉल थर्मेन की ओर, मिस फील्डिंग वहां पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने दो रन पूरे कर दिए यहाँ पर। ओवर की समाप्ति, 24 रन एक विकेट के नुकसान पर। रन बॉल अब की बार तो सारे खिलाड़ी 5 फीट वाले आए हैं। अभी तक दोनों ही बल्लेबाज रंग में नजर नहीं आए हैं। नाम क्या है? अंकित और। अंकित और सर तुम्हारे लेवल के सब 5 फीट वाले ही इस बार? बिल्कुल है, सब खेलते भी तो जोरदार है, महा मुकाबला भी है। बिल्कुल है ना, ये छोटे छोटे कदमों से दौड़ते भी जोरदार और चौके छक्के उड़ाने में बड़े पायलट है। आप भी बहुत बड़े पायलट हो, लोगों को आप ही बहुत बड़ा उड़ा दें। 24 रन एक विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर। चंदू के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। दोनों ही गेंदबाजों ने अपना नंबर कभी आई एक बार फिर से। अच्छा अंडो बाकी है। इस बार सामना करेंगे दिनेश जी, एक ओवर लगा चुके हैं, अब वो अपना आक्रामक रूप तो चप्पे चप्पे पे खिलाड़ी मौजूद है अपने अनुभव का। देखिए सबसे ज्यादा खिलाड़ी छोटे, देखिए दिलीप जी गर्मी ज्यादा है, काफी अच्छे हार्ड हिटर है। यहां पूरा देखो फ्रूटी का आनंद लिया जा रहा है। आज आज मारने में माहिर है ये बल्लेबाज। ऑफ साइड में कितने भी फील्डर रह सकते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए क्रिकेट टूर्नामेंट बड़ा शानदार चल रहा है और आज पहला दिन का आगाज है। अभी हम
देखेंगे थोड़ा और फिर आखिरी दिन आनंद लेंगे। आनंद तो आएगा, आनंद लो अभी बोल ही दो। चलो अत्रो विकेट दिनेश जी के रूप में बड़ा विकेट। अनिल जी गुस्से में बैट फेंक कर जाते हुए। अनिल बहुत ही शानदार फील्डर हैं। ओहो, एक धांसू बल्लेबाज खो दिया है। बड़े विकेट का पतन यहाँ पर। अतिरिक्त रन। समाज क्रिकेट प्रतियोगिता सीरीज टू खेमच माता नवयुग मंडल द्वारा आयोजित सीरीज थ्री बदौलत माँ खेमच माता नवयुग मंडल अम्मा माता की घाटी उदयपुर के द्वारा आयोजित ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन और तीसरी गेंदबाज नजर आते हुए आज पहला दिन है और तीसरा ये महामुकाबला चल रहा है। और एडवोकेट दिनेश जी भाई साहब बल्लेबाज वाह बोल गई, कैच नहीं हुआ, कैच छूटा। तो उदयपुर में एमबी कॉलेज ग्राउंड से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं जहां क्रिकेट टूर्नामेंट। वाह क्या सुपर फास्ट मुकेश और बल्लेबाज दिनेश जी दोनों। गर्मी की वजह से चश्मा। आकाश तो चारों तरफ आज हल्की गर्मी थोड़ी सी कम है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है इसलिए खिलाड़ियों को एक मनोबल है। देखिए जगह जगह छाया में सभी शरण लिए हुए हैं। क्या बात है दिनेश जी उठा उठा के बल्ले मार रहे हैं। और देखने वाले दर्शक देखो बड़े आराम से फुल एंजॉय ठंडी ठंडी छाओं में। हाँ तो ठंडी ठंडी छाव बड़ी बढ़िया लग रही है। वाह
तो देखिए ऊपर चप्पे चप्पे पर कैमरामैन कभी क्यों बंद नहीं क्यों है बैटरी गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जसमा जी। आनंद पूरा ले रहे हो? पूरा आनंद ले लिया। खेल ली तो आप? हार गया। अरे हारिया थोड़ी जीतिया, हारे कौन, हार वारो नाम ही नहीं, सब जीतने वाले हम, थोड़ा सा असफल रहे बस। टीम भी है, बैट बल्ला भी है, पानी वानी का लेन दोनों है। तो आप देख पा रहे हैं लेग कटर फेंका गया बॉलर के द्वारा, बॉल कमल जी पाए ओवर की समाप्ति। सारे छोटे छोटे प्लेयर देखो बैठे हुए हैं, सब ड्रेस कोड में तैयार है। क्या बात है, बल्ले उड़ रहे, बिल्कुल उड़ रहे सर, मजा आ गया, मजा लग रहे हैं, बिल्कुल तगड़े साहब, बहुत अच्छे शॉट लग रहे हैं। उधर देखो आप, दिनेश जी पे विश्वास है? दिनेश जी पूरा विश्वास है, फुल विश्वास है, अभी आपको बेहतरीन शॉट दिखेंगे। अरे वाह, मैं भी वही देख रहा हूँ, दिनेश जी क्या दिखाने वाले हैं। दिनेश जी आज ओवर खेले हम ये चाहते हैं। अरे क्या बात, आज ओवर खेलेंगे। तो दिनेश जी बहुत पुराने खिलाड़ी है, अब आशा अपनी टीम को जितवाने के लिए सहयोग करेंगे, बहुत सहयोग करेंगे, काफी अच्छी पारी खेलेंगे हमारे लिए। हाँ, और काफी बढ़िया रन बनाएंगे। नहीं आ रहा है, तो देखियो दर्शक यहाँ चप्पे चप्पे पे, छोटा प्लेयर ये रहा, पता नहीं बॉल किधर से आ रही है। हाँ हाँ, और अरे बहुत जोरदार मारी रे, ओहो हो, अरे वाह, और अपार तो मारो नाक पर जातो। रविंद्र लॉन्ग ऑफ, वाइड लॉन्ग ऑफ बोलूंगा मैं इसको, काफी वाइड लिया उन्होंने सामने की तरफ, गर्मी से परेशान है, पर क्या करे, मैच के टूर्नामेंट डेट फिक्स थी, उसे कराना पड़ता है। बहुत बढ़िया, मेरी भिलवाड़ा बुल्स के दोनों ही टीमों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी प्लेइंग 11 लेके आ जाएं, ताकि हम वाइड बॉल पहले ही क्रिक हीरोज पे आपके नाम चढ़ा कर रखें तो मैच जल्द ही शुरू हो जाएगा। मेरी आग्रह है भिलवाड़ा बुल्स के
और आरसीबी भीलवाड़ा आरसीबी दोनों प्लेयर उधर ये बोल अनोखे तरीके से डिफेंस टेक्निक है इनकी काफी यूनिक दोनों ही पैर समेट के फिर डिफेंस करते हैं बल्लेबाज बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन अभी तक की इस टूर्नामेंट की सबसे यंगेस्ट टीम नजर आ रही है यहां पर ढीकली सॉरी चामुंडा क्लब हवा में बॉल फील्डर उसके नीचे है और ये 6 रन काफी लंबा छक्का करारा छक्का यहां पर बल्लेबाज मुकेश के निकल बल्ले से निकलता हुआ आगे बहुत ही शानदार समझदारी भरी बैटिंग और ये खतरा हो सकता है यहाँ पर फील्डिंग विकेटकीपर द्वारा दोनों ही बल्लेबाज काफी फुर्तीले हैं दो रन पूरे कर दिए बढ़ता हुआ स्कोर 4 ओवर 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभी तक शानदार पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा इस ओवर में 18 रन आए काफी बड़ा ओवर अब गेंदबाजी के कमान विनोद सेकंड के द्वारा अच्छी फील्डिंग दूसरा रन लेना चाहते थे अच्छी फील्डिंग वहां पर अच्छा छोटी सी फील्डिंग वहां पर फंबल हुआ बॉल तो विकेट कीपर ने बैकअप किया विनोद वापस अपनी बॉलिंग मार के और दोनों ही बल्लेबाज चेंज कर रहे हैं बार बार शायद घर पे एक ही बेट से खेलते होंगे दोनों जने इस वजह से वही बेट सेट है दोनों जनों के बोल हवा में कप्तान पंकज केस लपकना चाहते थे पर उनसे काफी दूर थी बॉल दोनों ही फील्डर के बीच में गिर गई हवा में बॉल थी थोड़ी देर के लिए खतरा हो सकता था विनोद के द्वारा फुलटोस बोलता पूरा फायदा नहीं उठा भाई बल्लेबाज दिनेश जी कहीं भी मार सकते थे ग्राउंड के किसी भी कोने में इस बॉल को अच्छी तख्ते पे बॉल ये बॉल मुकाबला करता हुआ ये नो बॉल और ये घुमा दिया है छोटे बच्चे द्वारा गेंद किनारे करके बाहर 6 रन क्या बात है इस नन्ही सी जान में इतना पावर है कि बॉल उन्होंने 4 रन सॉरी नो बॉल फ्री हिट छक्के के साथ में फ्री हिट एक और छक्का लगाने का मौका यहाँ पर वीरेंद्र के पास में क्या बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी फाइन लेग के ऊपर से 6 रन शानदार बाहर निकल कर खेला ये इनकी तकनीकी में थोड़ी सी खामी कहूंगा मैं कि वो हर बॉल बाहर निकलकर खेलना चाहते हैं एक और अंदरूनी किनारा फील्डर दोनों ही दौड़ते हुए वहां पर चुस्त मुस्तैद दोनों ही फील्डर जब तक पहुंचते फील्डिंग करने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर दिए बढ़ता हुआ स्कोर 5 ओवर 63 रन काफी बड़ा स्कोर जाता हुआ कहीं ना कहीं चाहूंगा वहां क्लब को ये गेंदबाजी करने का निर्णय थोड़ा भारी पड़ता हुआ अभी तक
बाप बेटी की जोड़ी ने कहर बर्फा के रखा है, एक तरफ उनकी बल्लेबाजी की गर्मी, दूसरी तरफ सूरज देव की गर्मी। चामुंडा क्लब बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े हताश नजर आते हुए, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन है। बिल्कुल बॉलर नेम लकी, लकी अच्छी बॉल, बिल्कुल विकेट के ऊपर से गई बॉल, अच्छे टप्पे पे, अच्छी लाइन पे। अगर अगर ये बॉल अगर सही टप्पे पे फेंकेंगे तो बल्लेबाज को दिक्कत कर सकता है ये गेंदबाज। फील्डर शायद वो छाव ढूंढ रहे थे वहां पर नीम के पेड़ के नीचे, इस वजह से ये चुपका गया। इस्तेमाल करते हुए संतोष बॉल को फायर लेग की तरफ खेला हुआ और रन आउट का खतरा, और यहाँ पर पापा को रन आउट करा दिया बेटे ने, पापा थक चुके हो यूं करके। अच्छी बल्लेबाजी करके आते हुए विनय जी, अगले बल्लेबाज सचिन, बिल्कुल सचिन भी अच्छे बल्लेबाज हैं, युवा टीम देखते हैं। विनय जी ने अपनी टीम को जिताने के लिए अच्छी बल्लेबाजी की है। एक मिनट हाँ, तो देखते हैं अब दूसरे बल्लेबाज क्या कमाल करते हैं। काफी तेज गर्मी है, वाह एक अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर, सचिन सामना करेंगे अब लक्की का। लक्की ने बड़ा झटका दिया टीम को, अभी तक ये टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बचा हुआ है 6 ओवर 76 रन। क्या ये टीम 100 का आंकड़ा पहुंच पाएगी? यहाँ पे छक्के का भाव तो ये आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लास्ट के 3 ओवर में 16-17 की एवरेज से रन बनाए। यहाँ पर बल्लेबाज बैट चेंज कर रहे हैं, लगता है इस बार कुछ ज्यादा छक्के मारने की फिराक में है। क्या आनंद ले रहे हो? बस आराम छाए में बैठे हैं, क्रिकेट देख रहे बैठे बैठे। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटे छोटे कद के खिलाड़ी तो कमाल कर रहे हैं, बहुत 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 बस देखने का आनंद आ रहा है सर, और बड़े बड़े देख कर हैरान हो रहे। और क्या सर, आज ये चामुंडा टीम हारेगी अभी आपस में भी है वहाँ पर, शायद पहली बार इतने अच्छे ग्राउंड में उनको खेलने मिला है तो वो एकदम से घबरा गए इस ग्राउंड को देख के कि हम दौड़े किधर। ये छोटे छोटे हौसला बनाए रखे, युवा है अभी, बॉल पर नजर बनाए रखे। अच्छी गेंदबाजी हो रही है और उतनी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है।
छोटी बॉल आसानी से फील्डर ने बॉल को कलेक्ट किया, एक रन की प्राप्ति। सचिन सामना करेंगे अरविंद का, रविंद्र का। सामने बॉल, नो मैन लैंडिंग, कोई भी 17 रक्षक वहां मौजूद नहीं। 2 रन पूरे कर दिए हैं, तीसरा रन लेना चाहते हैं मगर बार बार बॉल लेके गायब हो जाते हो यहाँ से। कट किया, थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद कप्तान। एक और फील्डिंग, बहुत ही शानदार क्रिएट होता है अगर इसको पकड़ लेते तो। ये फील्डर एफर्ट बहुत अच्छा था, एफर्ट के 10 में से 10 नंबर मिलेंगे आपको भैया। कोई भी फील्डर वहां मौजूद नहीं और बाउंस होने के बाद सीधी नील के गेंद के बाहर, 4 रन। ओवर की समाप्ति और कवर की दिशा में खेला गया है, घुटनों के बल रोका गया ये अंदरूनी की। गेंद किनारे के बाहर, एंपायर के इशारे का इंतजार, 6 रन। क्या बात है सचिन, आज तो आप छक्कू में बातें कर रहे हैं। बोल बोल अवेलेबल कराए, बॉक्स में संपर्क करें। कहीं कर रहा है, अरे क्या हो रहा है, कर क्या रहे थे, भूल गए बॉल को, भूल गए, उनको पता ही चल रहा क्या हो रहा है गर्मी की वजह से। पर 105 रन, 106 का टारगेट। अबे इम्तिहान तो अबे टूर्नामेंट का अब तक हाईएस्ट स्कोर, इम्तिहान तो अबे देवनाथ क्लब टिकली। बहुत अच्छा खेले, बहुत बढ़िया, अच्छा खेले, बहुत शानदार, अपनी टीम को जिताने जिताने के लिए बहुत अच्छा खेले। ब्रांड है, ब्रांड मैदान में कूदने की देर है, देखते हैं चलो। 10 मिनट पहले बैटिंग का फैसला, अब 3 ओवर लेना तो पूरा आनंद ले रहे हैं। एमबी ग्राउंड से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन और समाज क्रिकेट प्रतियोगिता, खेमच माता नवयुग मंडल का एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, क्या क्या लग रहा है, आनंद आ रहा है। ये 4-4.5 फीट के, 3.5 से 4.5 तक के कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आज का मैच, बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ,
तो श्रोताओं की कमी नहीं है, श्रोता यहाँ देखो अपने आप को रोक नहीं पा रहे और रस्सी के अंदर कूद पड़े। तो अंबा माता घाटी वर्चेस ढीकली चामुंडा क्लब, देखते हैं क्या कुछ होता है। हल्की हल्की हवा चल रही स्लोली स्लोली, अब थोड़ा धूप का एहसास थोड़ा कम लग रहा है लेकिन कह नहीं सकते। दो बजकर 11 मिनट हो रहे हैं, आज का ये तीसरा मैच कुछ ही देर में परिणाम 105 रनों में, देखते हैं कितने बनाने में बैट्समैन कामयाब होते हैं। तो हर एक बजी में दो विकेट ले रहे हैं, बड़ी भारी पड़ रही है। अगर इस टीम को सेमीफाइनल में जाना है तो इसी तरह पकड़ बनाए रखनी होगी, और अगर बैटिंग टीम को अगर फाइनल में जाना है तो बल्ले अच्छे बल्ले उड़ाने होंगे। फील्डिंग टीम कहीं भी मौका नहीं दे रही छूटने का, पूरी नजर बॉल पे है। देखिए आप, अब बैट्समैन आकाश, देखते हैं आकाश अपनी बॉल को कितनी आकाश में उछाल पाते हैं। तो आकाश बैट्समैन अपनी टीम को जिताने के लिए क्या कुछ करते हैं। चामुंडा क्लब बेरुनाथ डिगली बेरुनाथ ओवर 38 रन 6 विकेट 12 बॉल पर मात्र 68 रन की आवश्यकता। बॉलर नेम हितेश ओके। युवा जोश से भरी घुमाया है इस बार आकाश ने, एक चोट मारा सचिन जुझारू खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटना चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाज, पूरी तरह से बीट हुए हरीश के द्वारा हितेश के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर एकदम से झाड़ू चोट बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में झाड़ू चोट का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, काफी बहुत ही ज्यादा पीछे रह गई यहाँ पर माँ चामुंडा। रन रेट भी खासा नुकसान होगा इस मैच में अगर वो जब
जितना हो सके इस टारगेट के पास जाए तो अगले मुकाबलों में कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा मार्जिन रहेगा। बहुत ही शानदार शॉट, अच्छे से मिडिल किया, बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखना था यहाँ पर बल्लेबाजी में। शुरुआत काफी अच्छी दी थी ओपनर बल्लेबाजों ने। हरीश, हितेश, कवर की दिशा में खेला गया शानदार शॉट और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, क्या रन के लिए। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर 46 रन, 6 बॉल पे 60 रन, किसी करिश्मे की आवश्यकता है यहाँ पर अगर कोई ऐसा बल्लेबाज है और कोई ऐसा बॉलर भी है जो 3-4 नो बॉल फेंकते उसमें भी फ्री हिट पे छक्के पड़े तब जाके ऐसे इतने रन बन सकते हैं। बॉलर नेम मुकेश, एक चीज देखने लायक है यहाँ पर, बेरुलाल ढीगली ने फील्डिंग बहुत शानदार की है, एक भी मौका गवाया नहीं है इन्होंने। अगले बल्लेबाज लक्की द रेसर, लक्की हितेश, क्या नाम है भैया आपका, लक्की के द्वारा शानदार शॉट, ये पॉइंट की दिशा में पर वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद, आसानी से बल्लेबाज, जल्दी करो एम्पायर साहब ट्रेन जा रही है। गेंदबाज मुकेश, पारी का अंतिम ओवर, घर पे ट्रेन जा रही है। खेलना चाहते थे पूरी तरह से बीट हुए। लास्ट बॉल, ओ क्या बात है, बिल्कुल कोई प्लेयर वहां मौजूद नहीं। दूसरा रन पूरा कर दिया बल्लेबाजों ने यहां पर, इस मैच की समाप्ति बड़े आसानी से जीत लिया ये बेरुनाथ क्लब डिग्री ने। पंकज, कप्तान पंकज अपनी टीम के परफॉर्मेंस से काफी नाराज होंगे। अगले मैच में मैं चाहूंगा कि वापसी करे चामुंडा क्लब, अच्छी टीम है, टूर्नामेंट का रोमांस बना रहेगा। मैन ऑफ द मैच है वीरेंद्र, युवा खिलाड़ी, युवा नहीं नव युवक खिलाड़ी। अच्छा खेली टीम, अब ये टीम फाइनल में जाएगी, सभी में खुशी है। हाँ दिनेश जी भाई, क्या रहा पहली बार काफी लंबे समय बाद हमारी टीम के युवाओं ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और एक तरफा जीत हासिल की है। युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे और अपनी टीम को फाइनल तक ले जावे और फाइनल का खिताब दिलावे। 10 विकेट का लक्ष्य रखा था, कितने आउट किए? विकेट तो हमने पूरा लगा था लेकिन जो हम लक्ष्य कामयाब हो गए, 50 रन से अंदर आउट करना था टीम को, 50 रन के अंदर ही हमने उसको रोक दिया, टीम को 47 पे रोक दिया।
बिल्कुल रुक गया और रन रेट में हमारा काफी फर्क पड़ेगा लास्ट में जब हम सेमी में अब फाइनल में जाएगी जब हम क्वालिफाई करेंगे तो रन रेट का मायना काफी रहेगा और इसलिए हमने ये मैच उसी को ध्यान में रखते हुए काफी बड़े अंतर से जीता है। मेरे युवा खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना देना चाहता हूँ कि उन्होंने शानदार ढंग से इस पहले मैच में जीत हासिल की है। बहुत बहुत और आप सब ग्राउंड पे जो दर्शक आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी टीम की हौसला अफजाई की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके साहब, तो देख पा रहे हैं टूर्नामेंट लगातार चल रहे हैं, फिर दो टीमों के सीधा मध्य सीधा मुकाबला होगा। चलिए उनसे जाते हैं, जानते हैं क्या कुछ हुआ। तो उधर गर्मी आई है, इधर कुर्सी उठाकर उधर जा रहे हैं। हाँ, ये कुर्सी का ही झगड़ा हो रहा आजकल, ये लफड़ा सब कुर्सी का ही है आजकल। हाँ, कुर्सी का ही है। तो चलिए, दोनों एक ही साथ टीम बैठी हुई है, ढींगली और अम्बा माता की घाटी दोनों ही साथ साथ में हैं। और क्या कुछ कहते हैं यहाँ के हमारे। हाँ साहब, गला ठंडा कर लो आपका। सबसे पहले इधर चलते हैं, क्या रहा? बहुत बढ़िया रहा, निराशा रही थोड़ी सी। निराशा तो नहीं। हाँ, खुशी याद कर दे रही है। खुशी है, खुशी है, आपको खिलाड़ियों को तैयार किया, खिलाड़ी को तैयार किया, मेहनत उनकी है, तैयार करने वाले हमें काफी मेहनत करनी पड़ी, अब मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगले साल जब मिले तब मेहनत, अगली बार तो इनको वापस कमाल कर दिया। 4.5 फीट के लोगों, साढ़े तीन फीट के लोगों ने। चलो, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उदयपुर के एमबी ग्राउंड से सीरीज 3। अच्छा रहा, बढ़िया। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो अभी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्रिकेट में देख रही हूँ। और समाज के इधर इधर लाइव हो रहा है, आउट हो गई। देखिए आउट बोल रहा है, चल रहा है अभी मैच, चल रहा है अभी। वो तो चल रहा है, उसमें जवाब दे इनको, कैसा कैसा मैच अभी आउट हो गई।